हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय आज हमारा सेशन बहुत रफ्तार से चलने वाला है और पूरी मतलब एक एक रॉकेट की रफ्तार से हमारा सेशन जाएगा तो अगर मेरा स्पीड बहुत ज्यादा हो तो माफी मांग लेता हूं पहले से समझने की कोशिश कीजिए इस एक घंटे के सेशन में मैं आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दूंगा हर एक टॉपिक के बारे में तो टीम गिव मी अ थम्स अप शुरू करते हैं आज का सेशन आज का सेशन शुरू करते हैं और आपको पढ़ाएंगे कि आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी गुड मॉर्निंग ड्रीम टू लिबासना शिवम यादव नेवर गिव अप प्रथम बिराजदार और कौन है भाई बहुत तेजी से नाम बढ़ रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज मैं शपथ लेता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हमेशा ही सच बोलता हूं मैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सेशन की तरफ आज के सेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं वेट मिनट यस आज के टॉपिक में हम लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है टीम ग्रीन हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट होने जाने जा रहा है आने वाले दिनों के लिए तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे ट्रेन टिकटिंग एंड डेटा ब्रिज फिर से एक डेटा ब्रिज हुआ है आई के प्लेटफॉर्म पे उसके बाद से हम ऑरेंज अलर्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है केरला कैबिनेट में साजिद जो कि एक कैबिनेट एक मिनिस्टर है एमएलए है इनको टर्मिनेट कर दिया इनको अपने पद से हटा दिया गया था लेकिन इनको फिर से कैबिनेट में इंडक्ट किया गया और हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड और पढ़ने जा रहे हैं सबरीमाला कार्डमम लेस्ड विद इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू ये किससे रिलेटेड है यह कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी फिफ्टीन से रिलेटेड है ठीक है उसके अलावा द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम इसमें हाँ पंचायत और म्यूनिस्पैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं बहुत अच्छा आर्टिकल है टीम ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है लक्ष्मीकांत के चैप्टर से आप एड कर लीजिएगा दिस वन नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑन यूपी लोकल बॉडी पोल्स के बारे में डिसीजन है एसिड अटैक उसके बाद से उत्तराखंड क्रैक्स इन हाउसेस प्रसार भारती इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिफर्बिश किया जा रहा है रशिया जिक्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इंडिया का इससे क्या लेना देना है क्या इंडिया से इसको बेनिफिट होने वाला है प्लस इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है नाउ वर्ल्ड हेल्थ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न अबाउट कोविड नाइनटीन यूक्रेन ऑन रशियन ट्रूप ऋषि सुनक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ जो ब्रिटिश ब्रिटेन uh, में डिस्प्यूट uh, चल रहे हैं जापान एंड यूएस अलायंस एंड ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज टीम शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे हम सीरीज में फॉलो करने के बजाय हम क्या करेंगे हम उन चैप्टर्स को उन टॉपिक्स को सबसे पहले लेंगे जिनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है टीम शशांक रॉय की क्लास में यूपीएससी वाला के इस सेशन में हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बताएंगे चलिए और हर एक टॉपिक में डायग्राम शुरू करते हैं बाबा जी के ज्ञान से बाबा जी के ज्ञान में देख लीजिएगा सर इसको एफर्ट्स प्लस रॉन्ग टूल्स हो सकता है कि आप बहुत ही हार्ड हो, वर्किंग हो सकता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो लेकिन आपके पास जो टूल्स हैं आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपके पास जो तरीका है वो सब गलत हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका रिजल्ट है कि वो एक साल का एग्जामिनेशन एक साल का जो एग्जाम है वो पंचवर्षीय योजना में बदल जाएगा क्लियर है तो अगर आपके एफर्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेस गलत हैं, आपके पास गाइडेंस गलत है आपका मेथड गलत है आप गलत तरीका फॉलो कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट भी गलत ही आएंगे टीम क्लियर है, है? समझ में आई बात तो ये एग्जामिनेशन टीम ये एग्जामिनेशन जो है वो जोश और जुनून का नहीं है जोश और जुनून वाले बाहर चले जाएंगे क्लियर बता रहा हूं मैं ये कड़वी मगर सच्ची बात है ये एग्जामिनेशन जोश जुनून का नहीं है इस एग्जामिनेशन में हार्ट वार्म रखो और दिमाग ठंडा रखो क्लियर इस एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है कि दिल गर्म रखना है हार्ट वार्म रखना है और ब्रेन को बिल्कुल कूल cool रखना है प्लस आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं बट इफ योर मैथड इज रॉन्ग अगर आपका मेथड गलत है यू विल नॉट सक्सीड एट एनी कॉस्ट और इसीलिए यहां पे यूपीएससी एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरा साल दूसरे साल के बाद तीसरा साल तीसरे के बाद चौथा साल होता चला जाता है और आप अपने अटेम्प्ट को लूज कर देते हैं आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है आपकी शादी हो जाती है और क्या होता है फिर आप संदीप भैया बन जाते हैं एस्पिरेंट सीरीज वाले तो संदीप भैया नहीं बनना है आगे चलिए थीम आप देख लीजिए ये एक और आपको मोटिवेट करने के लिए लिया है इफ दिस इज अनर इमेजिन द लूजर अगर ये विनर का फेस है अगर ये एक चैंपियन का फेस है तो इमेजिन करके देखिए कि लूजर की क्या हालत हुई होगी इफ दिस इज अगर अगर एक चैंपियन को इतनी मार खानी पड़ती है तो लूजर के बारे में जरा सोच के देखिए ना टीम रीड द कैप्शन रीड द कैप्शन राहुल रावत ही इज एन एस लेकिन आपने अगर संदीप भैया का पूरा सीरीज एस्पिरेंट सीरीज देखा है, तो आप देखेंगे कि को कितना रिग्रेट होता है संदीप को बहुत सी चीजों का रिग्रेट होता है और जिसमें एक होता है उसका पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ में वो खुश नहीं होता है ही गेट्स मैरिड बट नॉट girl। वो शादी होती है संदीप की लेकिन उससे नहीं होती कुसुम से नहीं होती तो वो लेबर कमिश्नर जरूर होता है बट ही इज नॉट हैपी रावत साहब सही कहा टीम एक बार इसको जरा ध्यान से देखे इफ दिस इज द फेस ऑफ द चैंपियन वॉट अबाउट द लूजो सो अगेन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये इस बैटल फील्ड में जो है आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने हैं आप इंजोर्ड होंगे आप लहूलुहान होंगे आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे आपका दिल करेगा एग्जामिनेशन छोड़ दूं समटाइम्स यू विल सरेंडर समटाइम्स यू विल थिंक अबाउट क्विटिंग बट थिंक अबाउट द फेस ऑफ द चैंपियन टीम थिंक अबाउट द फेस ऑफ द चैंपियन चलिए आगे चलते हैं सबसे पहली बात क्या है योजना का नया एडिशन आ चुका है टीम योजना का नया एडिशन आ चुका है और नए एडिशन में मिलेट्स के बारे में बातें की गई हैं टीम हमारे मोदी जी आजकल सिर्फ सिर्फ दलिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मिलेट 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट बताया गया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है देख लीजिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट मैं पहले से आपको बता रहा हूं हां धीरज मैंने देख लिया एक बार देख लीजिए टीम योजना को आज पांच तारीख है अगर आज ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लोगे या लो तारीख तक अगर मैगजीन आ जाता है मार्केट में तो एक हफ्ते में कंप्लीट करो क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्रोलेम्स के परसपेक्टिव से मेन्स के परसपेक्टिव से टीम क्लियर एक बार देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट दो में ठीक है उसके बाद से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट रिच ऑन हेरिटेज फुल ऑन पोटेंशियल इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इंटीग्रेट कराया गया है कह दो कि झूठ है आपको कभी कभार नहीं लगता कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे वो बड़ा काबिल इंसान है मैं रोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंटीग्रेट कराता हूं और यहां पे देखिए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर तीन उसके बाद से आपका क्या है डीसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बाद से दो और तीन को इंटीग्रेट कराया है आठ और बारह को इंटीग्रेट कराया है समझ में आई बात है समझ में आई बात यानी कि अब आपको इंटीग्रेटेड मैथड में प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करोगे तो एक साल में किला अतः हो जाएगा नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन आई एस एन आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर टीम एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इसके साथ इंटीग्रेट कराया है आगे देखेंगे ये पहले का आर्टिकल है जिसमें मोदी जी ने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था कि सेंटर स्टेट टू ज्वाइन हैंड टू प्रमोट मिलेट कंजम्पन कह दो कि मैं गलत हूं भरोसा हुआ कि नहीं भरोसा हुआ कि नहीं दिल में कुछ बात लगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही है आई मे बी रॉन्ग मेरा बस एक अटेम्प्ट है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो पढ़ाऊं जो कोई नहीं पढ़ाता और वो दो जो शायद आपको जरूरत है एक बार हम देख लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट मोदी जी ने पहले ही से क्या किया है मोदी जी जिसे आजकल मिनिस्टर्स एमपीज और एमएलए बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो जब भी मोदी जी के पास जाते उनको दलिया खाने के लिए देते खाओ बच्चा दलिया खा लो और इस समय मतलब होता ना कि थोड़ा चाय पी ले कॉफी पी ले मोदी जी सबसे पहले एक थाली दलिया दे देते हैं दलिया खाओ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है ज्वार बाजरा से बना हुआ क्विजीन दे देते हैं और मिनिस्टर्स कोई जाना भी नहीं चाहते लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यहां पे जगदीप धनखड़ जी बैठे हुए हैं अंदर से जल भून रहे हैं लेकिन फिर भी हंसी दिए जा रहे हैं ठीक तो ये देख लेंगे उसके हाथ से हम कुछ डायग्राम बनाएंगे कुछ डायग्राम बनाएंगे क्या है पहली बात समझेंगे फूड सिक्योरिटी क्या है क्योंकि यह मामला मिलेट्स का नहीं है यह मामला फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का है टीम क्लियर है समझो इन वर्ड्स को लिखो क्योंकि यह प्रवचन जो है बाबा शशांक शेखर रॉय के हैं सुनो मामला मिलेट्स का नहीं है मामला क्लाइमेट चेंज का है मामला फूड सिक्योरिटी का है मामला न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का है टीम कनेक्ट हो पा रहा है टीम कनेक्ट हो पा रहा है मामला मिलेट्स का नहीं है मामला फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का है किस परिपेक्ष में क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में ये देख लो पहली बात क्या है ठीक है देखो एक बार फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है चार डायमेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फूड सिक्योरिटी के लिए फूड का अवेलेबल होना भी जरूरी है उसके अलावा स्टेबल सप्लाई भी होना चाहिए उसके अलावा फूड को हम सही तरीके से कंज्यूम कर पाएं और उसके अलावा हम हम उसको अफोर्ड कर पाए टीम ये चार मंत्र याद रहेंगे टीम क्लियर है फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और हम फूड को अफोर्ड भी कर पाए, एक्सेस भी कर पाए प्लस हम उसको यूटिलाइज कर पाए और स्टेबल सप्लाई होना चाहिए आज आपने मुझे पांच के अनाज दे दिया कल है ही नहीं वॉट विल हैपन टीम क्लियर है कॉन्सेप्ट मिलेट नहीं है सेंटर जो है गुठली मिलेट नहीं है मिलेट है फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के अलावा क्या है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्योंकि इंडिया के पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन दिया जाता है है आपको लगता है कि चावल और गेहूं से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल जाएगा नहीं मिलेगा इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राइस और वीट का सिस्टम है वो आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता जो इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अगर इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी के बाद से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना होगा ठीक है तो एक स्टैकिंग कर लो फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ठीक है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लेके आएंगे प्लस इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे क्या इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर इसको हम प्रियम्बल से जोड़ देंगे प्रियम्बल में जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हम फंडामेंटल राइट right में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को जोड़ेंगे और हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 47 को इंटीग्रेट कर देंगे कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंश्योर करे आर्टिकल 47 टीम मजा आया दिल पे हाथ रख के पूछो इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट करो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को इंटीग्रेट करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल यू नो फोर्टी सेवन लेकर चलो इंटीग्रेट करो कुछ नहीं बचेगा क्लियर जल्दी बोलो समझ में आई बात आज थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है तो मुझे माफ करना दोस्तों क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूं मैं पूरे न्यूज़पेपर में इतना इंटीग्रेशन किया है इतना इंटीग्रेशन किया कि आपके पसीने छूट जाएंगे उसको रिवीजन करते करते लेकिन जब ये रिविजन हा शाना खान फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एसडीजी क्लाइमेट रिजिलियन प्रियम्बल जस्टिस मोहम्मद सरवर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो आपको बताता हूं अगर आपको एक परसेंट में आना है अगर एक परसेंट उन एस्पिरेंट्स में आना है आपको जो यूपीएससी मनोज कुमार वंडरफुल दिल खुश कर दिया वंडरफुल अगर आपको एक परसेंट स्टूडेंट में अपने आप को काउंट कराना है तो मेरे साथ छह महीने पढ़ के देखिए I गारंटी यू नो बडी कैन स्टॉप यू कोई रोक नहीं सकता आपको एक परसेंट लोग में ये वो बच्चे हैं जिनमें से 700 से 800 बच्चे का सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑल इंडिया सर्विसेज में बाकी सारा भीड़ है भीड़ का हिस्सा बनना है आप कहीं चले जाइए लेकिन अगर एक परसेंट में आना है तो यहां पे इस क्लास में पढ़िए चलिए देखें आगे चले उसके अलावा क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह आर्टिकल आया था जो मैंने आपको कवर कराया था वायनाथ में हुआ था क्लाइमेट एग्रीकल्चर नाउ क्लाइमेट एग्रीकल्चर का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एक बार देखिएगा ये थोड़ा सा इमेज धुंधला हो गया है यहां मैंने एक इमेज शेयर किया है आपके साथ जो ऑलरेडी योजना मैगजीन में इंटीग्रेट करके दिखाया गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नाउ क्या हम क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बना सकते हैं टीम क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हम क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बना सकते हैं कैसे होगा क्या हम क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बना सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस कैन वी डू दैट और होगा तो कैसे होगा सबसे पहले क्लाइमेट Soil, soil card हमने हैं। उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा इरिगेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा उसके अलावा मार्केट एक्सेस और लाइवलीहुड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्लाइमेट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा क्लाइमेट को देखते हुए एग्रीकल्चर जो पैटर्न है उसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा यानी क्लाइमेट को देखते हुए हम क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करेंगे इसका मतलब क्या है कि अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सर्टेन एरियाज़ में अगर पानी की कमी है या हरियाणा या पंजाब में अगर पानी की कमी है तो हम वहां पे बासमती की कल्टिवेश का कल्टीवेशन नहीं करेंगे अगर हरियाणा और पंजाब में वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है तो हम वहां पे बासमती के खेती के बजाय हम क्या करना शुरू करेंगे हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करेंगे जिसमें पानी कम लगता है लागत अच्छी होती है उपज अच्छी होती है और पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं क्या टीम समझ में आया बच्चे लोग समझ में आया क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज अरसलान आमिर बता दूंगा टीम क्लियर है टीम क्लियर है बोलो जल्दी से पढ़ लीजिए डिफेंस लेवर एसएससी के लिए पढ़ लीजिए बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़िए टीम आगे चले हमने इंटीग्रेशन किया अब हम देखो आज का क्या था मैंने योजना का आपको फंडामेंटल्स बता दिया कि योजना मैगजीन को अगर आपको कवर करना होगा तो आप कैसे कवर करेंगे बात समझ में आई कि नहीं क्या जी बच्चे लोग मजा आया हमने योजना को डिकोड कर दिया आपके लिए हमने योजना का इंटीग्रेशन आपको दिखाया है कि योजना किस तरीके से पढ़ोगे और किन किन चीजों को लेके चलना है अब क्या करना है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 55 से 60 परसेंट लोग हैं जो जीडीपी को 14 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 14-15 तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा का इंटीग्रेट कर लेना है टीम टीम मजा आया योजना का मैंने स्निपेट दिया है मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि आपको योजना मैगजीन का समराइज वर्जन भी देना शुरू करें या अगर पॉसिबल हुआ तो मैं योजना का एक स्पेशलाइज सेशन ले लूंगा दिल साडा पंजाबी दिल अपना बहुत बड़ा है मैं कुछ करूंगा आपके लिए आगे चलो आगे चलो द हिंदू में आते हैं ठीक है टीम गुड गुड चलो एक बार हम द हिंदू में आते हैं वर्ल्ड न्यूज में चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर थर्टीन में द हिंदू वर्ल्ड न्यूज में पहले फोकस करते हैं टीम पहले फोकस करते हैं आ, सुनो ना धीरज मैं इसमें इस कुछ नहीं बोलूंगा आ, आपकी जो मर्जी हो आपके पास पूरा फ्रीडम है आप चाहे तो हिंदी चैनल देख लीजिए इंग्लिश चैनल देख लीजिए और जो आपके मतलब का है वो निकाल लीजिए क्योंकि दोनों चैनल यूपीएससी वाला के ही हैं, लेकिन हिंदी वाले को हिंदी डेडिकेटेड लोगों के लिए बनाया गया है मतलब इसमें कोई आपको जो चैनल मन करे वो पसंद वो देखिए। टीम एक बार देख लीजिए टीम एक बार हम इस मैगजीन को देखिए लेंस है मैं फोकस में क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ने से कितने पूछे थे, 2022 में. 6 आपको बारह नंबर तो दूर की बात है एक नंबर आपको फेलर लूजर और चैंपियन बना सकता है एक बार जरा इस मैपिंग को मैंने ऐड कर दिया है जैसे क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है लेक विक्टोरिया लेक फागुबिन लेक ओगुटा और लेक वोल्टा टीम यह क्या था यह क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड आया था प्रस 2022 में क्लियर हुआ मैपिंग से रिलेटेड मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऐड कर दिया है ताकि आप में से कोई क्लेम ना करे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं मेरे ऊपर बहुत से इल्जाम बहुत से तोहमत लगते हैं कभी कभार मैं शर्मशार हो जाता हूं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन यहां पर देखिए पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील है जो सूकर मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई आगे क्वेश्चन था निम्नलिखित में से युगमों पर विचार कीजिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स नामचा बरवा क्या गढ़वाल हिल्स में है नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालय में है नौकरे क्या सिंके हिमालय में है इसमें से कौन सा पेयर सही है नामचा बरवा उपयुक्त युगमों में से कौन सा सुमेलित है ये देख लीजिए आंसर आप खोजेंगे आंसर शीट में दे दूंगा लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि हमारे साथ जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इनिशियल दस मिनट मैंने किस लिए दिया है इनिशियल दस मिनट आपके बारह नंबर को सिक्योर करने के लिए तीसरा क्वेश्चन आया था अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली टू विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एरिया है जिसको हम लिवेंट के नाम से जानते हैं क्या यह पूर्वी भूमध्य सागरी तट के पास का क्षेत्र है क्या यह उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का क्षेत्र है क्या फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र है या भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है माफ कीजिएगा थोड़ा सा जबान फंस जाती है मेरी तटवर्ती क्षेत्र आया समझ में ये भी क्वेश्चन था ओके okay, आगे चलते हैं निम्नलिखित देशों पर अजरबैजान निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए अजरबैजान किर्गिस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें से किसकी सीमाएं अफगान सोचो यूपीएससी वाला ने क्या किया इमोशनल अत्याचार कर दिया क्या किया इमोशनल अत्याचार कर दिया आप खुश होंगे कि अरे रे ये तो मैंने पढ़ा है अज़रबैजान भी, भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये भी लेकिन पूछा क्या इसमें से किसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है आई बात समझ में यूपीएससी ने क्या किया झटका दे दिया और जोर का झटका जोर से दिया पूछा है कि ये सारा कंट्री देखो और बताओ कि अफगानिस्तान में से किसकी बाउंड्री लगती है ठाकुर प्रताप सिंह आप मुझे मस्का लगा रहे हैं आप मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं गिरेगा तो मुझे बहुत चोट लगेगा चलिए आगे देखते हैं टीम क्लियर है छह क्वेश्चन एक दो तीन चार पांच सॉरी एक दो तीन चार मुझे लगता है दो क्वेश्चन मिस कर गया हूं मैं मैं ऐड कर दूंगा टोटल आपके बारह नंबर हैं बारह नंबर तो बारह नंबर को कंसोलिडेट करने के लिए आप रोज दस मिनट दे दीजिए आगे चलिए जापान पीएम किशिदा वाउस डीपर अलायंस विद द यूएस ऑन डिफेंस ये है हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा और यह है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बोला है कि यह दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे और हम अपने डिफेंस टाइज को जो है और स्ट्रांग करेंगे कल मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल बताया था और इस आर्टिकल में हमने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की मैपिंग करी थी हमने 38 डिग्री पैरेलल के बारे में बात किया था ईस्ट चाइना सी के बारे में बात किया था साउथ कोरिया के बारे में नॉर्थ कोरिया के बारे में और यहाँ जापान चाइनीज टेरिटरी को दिखाया था और ये पूरी टेरिटरी को हमने दिखाया था कि किस तरीके से दिस एरिया जो है वो उसके अलावा जापान भी है न्यू बैटल होने जा रहा है दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी द पॉसिबल बैटल फॉर वर्ल्ड वॉर थ्री आगे देखते हैं हमने फिर से एक दूसरी मैपिंग करी थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सी ऑफ जापान नाउ एक इत, ये मतलब मैपिंग में बहुत बड़े लेवल पे क्यों कराता हूं क्योंकि मैपिंग आपको याद रह जाता है मैपिंग को मैं इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे कराता हूं कि हर एक पर्सपेक्टिव से आपको नॉलेज रहे नाउ एक बार देख लेंगे क्या साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में यूएस फ्लीट स्ट्रोंगर हैं बिल्कुल बहुत तो स्ट्रॉन्गर है अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में यूएस का बहुत बड़ा फ्लीट है ये जहाँ भी एंकर्स लगे हुए हैं यह ओकी है को देख लीजिए यह रहा जापान टोक्यो है उसके बाद से आपका सिंगापुर देख लीजिए इन सारे एरियाज में आपको यूएस एयरक्राफ्ट करियर का डिप्लॉयमेंट दिखेगा जो एक तरह से चाइना को प्रोवोक करने के लिए बहुत काफी है ऑलरेडी साउथ चाइना सी में बहुत से स्टेट्स हैं बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी में चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन को इलीगल इंक्रोचमेंट को चैलेंज किया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट आपके सामने है उसके अलावा ये ताइवान का मैटर आपके सामने है ंगकॉन्ग का मैटर सप्रेस हो चुका है लेकिन नया खतरा जो है वो जापानीज टेरिटरी के आसपास से आ रहा है एक बार जरा हम देखेंगे हम ताइवान की भी मैपिंग कर लेंगे हम ताइवान स्ट्रेट को एक बार देख लेंगे ध्यान से और हम आगे बढ़ जाएंगे हम ताइवान स्ट्रेट को हम एक बार मैपिंग कर लेंगे ताइवान देख लेंगे ईस्ट चाइना सी को देख लेंगे उसके अर्से फिलिपीन सी को देख लेंगे लुजोन स्ट्रेट को देख लेंगे एक चीज और सुनिए यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे आएगा टीम यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पूछो आपको क्या लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा कि ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है वो नाम बता दो ऐसा पूछेगा या बोलेगा ईस्ट चाइना सी के आसपास में कौन सी कंट्री ऐसा पूछेगा बोलो भाई टीम बोलो सुरभि जैन बोलो बच्चे अपोलॉजी सुरभि मुंह मत लटकाओ कई बार ऐसा होता है कि मुझे दूर से दिखाई नहीं देता एक बात सुनो क्वेश्चन क्या पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछेगा घुमा के जैसे टली अ डिस्प्यूट इमर्ज बिट्वीन चाइना एंड ताइवान विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ताइवान और यह क्वेश्चन हो सकता है सेमी कंडक्टर से या क्वेश्चन कैसे पूछेगा विथ द राइजिंग टेंशन बिट्वीन चाइना एंड ताइवान द सेमी कंडक्टर मार्केट और ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ सेमी कंडक्टर गॉड डिज्रप्टेड विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेमी स्ट्रॉग सेमी कंडक्टर टीम क्या क्वेश्चन पूछेगा कि रशिया चाइना ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके चलते जो सेमीकंडक्टर का ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है इसमें से निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सेमीकंडक्टर के संदर्भ में सही है समझ में आई बात क्या समझा घुमा फिरा के यूपीएससी पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेमीकंडक्टर क्वेश्चन शुरू करेगा चाइना ताइवान स्टेटमेंट से लेके आएगा ताइवान को यहां पे फिर उसको जोड़ेगा सेमीकंडक्टर से फिर पूछेगा सेमीकंडक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बात आई समझ में हां क्या करना है अपनी तीसरी आंख खोल लेनी है तीसरी आंख खोल लेनी है चलो आगे नहीं बच्चे सुनो ना मनोज कुमार यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन बात यह है कि आपको भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर क्वेश्चन को उठा के देखो तो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है क्वेश्चन यह है कि आपको बारीकी से गुठली को देखना है आम को नहीं देखना है क्या गुठली को देखना है मैं गुठली ही समझा रहा हूं टीम क्लियर है ये देख लो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह टाइम लगेगा चलो सुनक वाउस तो हाँ बूस्ट ग्रोथ मुझे आशीर्वाद मिला है किसका वैष्णो माता का आशीर्वाद हम इंडियन गॉड्स एंड गॉडे का मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं इन्फ्लेशन हाफ कर दूंगा और उन्होंने पांच वायदे किए हैं जरा देख लीजिए ऋषि सुनक का इमेज है कार्टून बना दिया गया है नाउ पांच प्रोमिस कौन कौन से हैं हम इन्फ्लेशन को आधा करेंगे हाफ कर देंगे उसके अलावा इकोनॉमी को हम ग्रोथ की पटरी पे लेके आएंगे हम जो हमारा डेट है उसको हम खत्म करेंगे उसके अलावा हम जो है वेटिंग लिस्ट ठीक है डेट वेटिंग लिस्ट एंड स्टॉप द बोट यानी कि हम इलीगल इमिग्रेशन को हम कंट्रोल करेंगे हम इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट नहीं करेंगे हम इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे ठीक है आप एक बार देखो टीम ये क्लियर है इसका मतलब यह है कि यूके इज नॉट डूइंग गुड और अगर यूके अच्छा नहीं कर रहा तो चांसेस हैं यूरोपियन यूनियन भी शायद इस तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहा हो दो दिन पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एमडी ने क्या स्टेटमेंट दिया था दो दिन पहले आई एमडी एम के एमडी ने क्या स्टेटमेंट दिया था दो दिन पहले आईएमडी के एमडी ने क्या स्टेटमेंट दिया, दिया था कि चाइना चाइना प्लस यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन इज गोइंग टू फेस द वर्स रिसेशन ये तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के देखते हैं रशिया आपके यूके में ऑलरेडी बहुत सी पॉवर्टी से, से रिलेटेड मामला चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट आन, बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है लोग फ्यूल प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पा लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते कल स्ट्राइक हुआ था और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनाइटेड किंगडम हमें ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ लेकिन नहीं इनक्वालिटी वहां पर बढ़ती चली जा रही है इसके चलते बहुत से लोगों ने आई I मीन mean, एक सर्टन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया है एक और भी टर्म आ रहा है यूके के बारे में और यूरोप के बारे में एनर्जी पॉवर्टी

पर वीक चाहिए यानी कि चार अगर कर लें तो आपको 2400 पाउंड्स मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए यहां सरवाइव करने के लिए यानी कि आपको लगता होगा 2400 पाउंड पाउंड अच्छा इसको कैलकुलेट कैलकुलेट कर लेते हैं जरा का वैल्यू और करके देखिए आपको लगता होगा लेकिन ये बेसिक मिनिमम चीजें हैं बाकी तो लग्जरी तो छोड़ ही दीजिए सो so, इन चीजों को देखते हुए एक वर्ड हमारे सामने लगातार आ रहा है जिसका नाम है एनर्जी टीम एनर्जी ट्रिल एनर्जी ट्रेलमा का मतलब क्या है एनर्जी ट्रेलमा और यूके का क्या है एनर्जी पॉवर्टी एनर्जी पॉवर्टी एनर्जी पॉवर्टी बार बार क्यों आ रहा है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में गैस के प्राइसेस फ्यूल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपने बॉम्ब साइक्लोन देखा होगा तो एनर्जी ट्रिलिमा क्या है एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटलिटी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनर्जी ट्रिलिमा एनर्जी ट्रिलिमा के बारे में यानी का मतलब क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है और उसके साथ साथ लोग एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एनर्जी का प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्योंकि यूरोप और यूके कंट्रीज ने क्या किया है इन्होंने वादा किया है कि हम जो भी एनर्जी सोर्स जनरेट करेंगे वो सोर्स हम जो है सही तरीके से क्लीन एनर्जी सोर्स से डेवलप करेंगे फ्रांस ने अपने पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया था और वादा किया कि हम जो है हम आ, आ, पूरा ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लेंगे बट ये इतना आसान नहीं है उस ट्रांजिशन को आने में टाइम लगेगा फिलहाल के लिए आप तीन चार की लेंगे अच्छा एनर्जी पॉवर्टी आया क्यों है क्योंकि थर्टी यूरोप 40% जर्मनी 20 परसेंट इटली और 18 परसेंट फ्रांस किस पे डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है रशियन ऑयल पे रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट है उसके अलावा यूके यूरोपियन यूरोपियन यूनियन यूनियन प्लस यूएस ने क्या किया है सैंक्शन इंपोज किया हुआ है रशिया के ऊपर जिसने मैटर को और ज्यादा एग्रवेट कर दिया है सो तो एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा रशिया यूक्रेन का फाइट यूरोप का ऑयल डिपेंडेंसी ऑन रशिया उसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज ऑन रशिया तो आप देख सकते हैं अभी प्राइस कैप भी इंपोज किया गया है रशियन ऑयल के ऊपर टीम क्लियर है टीम क्लियर है अप अगर समझ में आया तो दिल में अगर लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो बताइए नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए क्योंकि मेरा सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो सब लोग बोलिए सुनो ना आदित्य बच्चे सुनो ना आदित्य अभी ना, एक बस कॉन्सेप्ट समझो समझने की कोशिश करो पूरा द हिंदू न्यूजपेपर को अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको दो ढाई घंटा लगेगा अगर आप प्रो नहीं है तो अगर आप पहले से एक साल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो द हिंदू को पढ़ने में ना दो आ, अरे क्यूट गर्ल थोड़ा टाइम दो बच्चे एक ही साथ कैसे बच्चे की जान लोगे हा? थोड़ा सा रुको जरा रुको जरा सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है क्लियर है टीम क्या करना है हमें देखना है कि हर एक चीज को जोड़ के देखो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस का क्या इंपैक्ट है ऑयल सप्लाई का क्या है अभी एक और मुद्दा है इंडिया के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आपने रशिया यूक्रेन क्राइसिस का फायदा उठाया है क्योंकि रशिया का पिछले क्वार्टर में सितंबर अक्टूबर नवंबर की अगर बात बोले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने 22 परसेंट ऑयल सप्लाई रशिया से लिया है आ,

लूला सिल्वा ये कौन है ये है आपके ब्राजीलियन प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन मैंने क्यों लिया क्योंकि ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है चलते हैं एक बार जरा हम लूला सिल्वा साहब हैं और ये जायर बाल सुनारो हैं जिनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने एमेजन रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत बड़े लेवल तक यह है लूला सिल्वा साहब अब एक बार जरा हम समझते हैं ब्राजील का लोकेशन देखो ब्राजील से फुटबॉलर जो है फुटबॉलर पहले और अर्जेंटीना से ले लीजिए लियोनल मेसी लियोन एल मेसी याद रहेगा उसके अलावा ब्राजील का लोकेशन क्या है ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में आएगा इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से ले जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन तीनों के बीच में जो एरियाज होंगी वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं ये एरियाज और इनके पास का एरिया जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है टीम क्या समझ में आया समझना यह है कि अगर किसी ने कहते हैं ना पूजो पत्थर मिले देवता तो मैं क्यों ना पूजू पहाड़ अगर एक इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे याद रखेंगे टीम देखो हमारा ब्रेन क्या है नॉर्मल चीजें याद नहीं रखता हमारा ब्रेन नॉर्मल चीज़ें याद नहीं रहता हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन इमोशंस के थ्रू इन्फॉमेसन को याद रखता है आपको कहीं चोट लगी हो आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हो आपने कहीं अच्छा सा खाना खाया हो आपको कहीं बहुत किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते समय बहुत मिर्ची लगी हो आपने कोई ब्रांड का कपड़ा खरीदा हो वो कपड़ा फट गया हो या आपने एक नई मोबाइल खरीदी हो और मोबाइल गिर के टूट गया हो ये सारा इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है विजुअल और इमोशनल को लेके यानी डेटा को डायग्राम को इमेजेस को छोटे बच्चों को इमेजेस क्यों दिखाए जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जिसके पीछे कोई कोई रीजन हो कलरफुल कॉम्बिनेशन है वर्ड है डिफरेंट पैटर्न है कोई इंसिडेंट एसोसिएटेड है इसीलिए मैं एक इमेज को लेकर कई तरीके से इंटीग्रेट करता हूं टीम समझ में आया है एक बार हम ब्राजील को देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड अब एक बार जरा हम देखते हैं ये रहा आपका पूरा हॉटस्पॉट रॉकी एंड माउंटेन हो जाएगा कैलिफोर्निया हो जाएगा ये मेडिटेरेनियन सी हो जाएगा ये पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया हिमालयन रीजन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये एरिया है ये एरिया है अच्छा इसमें इन पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में टीम बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट में और क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ये है हमने क्या किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जहां जहां से होके निकलता है उन सारी कंट्रीज को याद करो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन और इक्वेटर जिन जिन कंट्रीज से होके जाता है उन सबका नाम याद रख लो इंडिया में आठ स्टेट आएंगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ये वो एरियाज है जहां सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा और सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लियर है टीन? टीम टीम क्लियर है इसको जरा एक बार देख लेते हैं अच्छे से अब हम आगे चलते हैं हमने इसको ज्योग्राफी से जोड़ दिया है या क्योंकि जहां कहीं से भी कोल्ड करंट और वार्म करंट जाते हैं वहां के इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं तो हमने क्या किया लेयरिंग किया है लेयरिंग केक बनाया है पिज्जा बनाया है आगे चलो हे बच्चे लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या अरे विभूति गौरव हे विभूति विभूति पढ़ लो पढ़ लो दिल लगा के पढ़ लो पीडीएफ मिल जाएगा भरोसा रखो कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ का मार्गदर्शन किया जाएगा लेकिन जितना ध्यान आप पीडीएफ में लगा रहे हैं उतना ध्यान और उतनी इज्जत अगर एजुकेटर को दे देंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे पीडीएफ कोई पीडीएफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपको एजुकेटर आपको समझा नहीं रहा है तो अगर आप सिर्फ पीडीएफ के लिए आए हैं तो आई एम सॉरी बडी मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा अभी ध्यान से दिल लगा के पढ़ लीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा चलिए आगे देखिए ये पूरा का पूरा देखेंगे हम क्या करेंगे हम मैपिंग कर देंगे ब्राजील का लोकेशन देखेंगे ब्राजील के लोकेशन पे बायोडाइवर्सिटी की मैपिंग करेंगे हम कोल्ड करंट एंड वार्म करंट की मैपिंग करेंगे और, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं और है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में चेंज आता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे बायोडाइवर्सिटी कम होगा पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा यह कॉन्सेप्ट क्लियर है यूपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी 2020 हजार या किस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है बायोडायवर्सिटी का लैटिट्यूड वाइज आगे जाने पे हायर लैटिट्यूड में बायोडायवर्सिटी घटता है या कम होता है उसके अलावा क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बायोडायवर्सिटी कम होती है सोच के बताइए आरिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम टीम देख लो एक बार इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे बायोडाइवर्सिटी घटेगा पोल से इक्वेटर की तरफ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा आगे देखो एक बार और भी है हाई एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी कम होगा और जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ आओगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा यह कॉन्सेप्ट क्लियर है यह कॉन्सेप्ट क्लियर है बायोडाइवर्सिटी पोल से इक्वेटर इक्वेटर से पोल और एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड का समझ में आया क्लियर है बिल्कुल ठीक ऐसे ही बोल के पढ़ लेना है हाइट पर डिक्रीज होगा लो पे आएंगे तो इंक्रीज होगा पोल से इक्वेटर इंक्रीज होगा डिक्रीज हो ए, पोल से इक्वेटर जो है वो डिक्रीज इंक्रीज होगा और इक्वेटर से पोल क्या होगा डिक्रीज होगा टीम क्लियर ऐसे ही एक एक लाइन बोल के पढ़ लो याद हो जाएगा आगे चलो अब हम ब्राजील को जरा अच्छे से मैपिंग कर लो ब्राजील को मैपिंग कर लो सारी कंट्रीज को क्लॉकवाइज देख लो एंटी क्लॉकवाइज देख लो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको ट्राएंगल बता रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं यह है आपका लिथियम ट्राएंगल वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और जितना भी सर्किट्स बनाए जाते हैं वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं दूसरा सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगता है वो सारा लिथियम जो है इन तीन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इसका नाम है लिथियम ट्रायंगल जिसको हम ए बी सी के नाम से भी जानते हैं ए मतलब अर्जेंटीना बी मतलब बोलीविया सी मतलब चिली टीम क्लियर है अर्जेंटीना बोलीविया चिली ब्राजील को आप देख लीजिएगा लिथियम ट्राइंगल याद रहेगा लिथियम ट्राइंगल याद रहेगा आगे चलो अब मुझे जल्दी से यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इमेज मैंने एड कर दिया है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इमेज इंडिया में कहा कहां पे है अब आगे बताओ कि वो कौन कौन सा ग्लोबल और रीजनल ग्रुपिंग है जहां इंडिया और ब्राजील मेंबर्स हैं वो कौन कौन सा ग्लोबल और रीजनल ग्रुपिंग है जहां इंडिया और ब्राजील मेंबर्स हैं जल्दी से जल्दी से वो कौन कौन सा एरिया है जहां पे वो कौन कौन सा रीजनल ग्रुपिंग है जहां इंडिया और ब्राजील मेंबर्स हैं जल्दी से ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन पॉमोनेंट सीट्स को इंक्रीज करने के लिए चार कंट्रीज का एक ग्रुप है याद आया जी फोर ओके उसके अलावा इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका का भी एक ग्रुप है इंडिया ब्राजील इस जिसको इफ्सा बोलते हैं टीम समझ में आया अरे जी ट्वेंटी हां ठीक है जेके शर्मा गुड वन सुनो यहां पे ये यह क्या है आपका ये हुआ आपका G4 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए लड़ाई कर रहे हैं ब्राजील इंडिया जापान एंड जर्मनी ठीक है ब्राजील भी है उसके अलावा आप G4 नेशंस को देख लेंगे इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम है आई बी एस ए आई बी एस ए ग्लोबल साउथ में आएंगे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं और चूंकि इंडिया जो G20 का प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है उसमें इंडिया का क्या कहना है कि वी विल बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वी बिकम हम ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्रीज हैं हम उनकी आवाज बनेंगे क्योंकि उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता ग्लोबल नॉर्थ में बच्चे लोग क्लियर है ब्रिक्स जी ट्वेंटी एंड जी फोर गुड और इंडिया का यही एजेंडा है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे क्योंकि उनकी कोई आवाज नहीं है क्या जी क्लियर है बच्चे लोग इब्सा क्लियर है बोलो आगे ब्रिक्स देख लेंगे ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को देख लेंगे क्या हुआ क्या समझ में आया समझ में यह आया कि चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा नहीं इंटीग्रेट करोगे तो आपकी जिंदगी जो है आपका एक साल का एग्जाम पांच साल में बदल जाएगा क्लियर है क्या जी टीम क्लियर है कि नहीं चलो एक बार जरा थम्स अप दो तो मुझे पता चले जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोले जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी बोले और सेशन के अंत में आप मुझे सारे टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज कितने टॉपिक आपने पढ़े आपने ठीक है पंचवर्षीय योजना हां जी रजनीश गुप्ता यही मतलब क्या बोले कौन कह रहा अगले जन्म है अगले मोहे बिटिया ना कीजो अच्छा रानीपाल बच्चे सुनो ना आप सेशन में नए हैं थोड़े से परेशान मत होइए समराइज अच्छा सुरभि जैन आप समराइज करके देंगी मुझे ये देख लीजिए सुरभि जैन के सर आप समराइज अरे आप करोगे मैं सारा थोड़ी करूंगा हाँ ठीक है मान लिया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सरकारी गाड़ी से अच्छी कोई कार नहीं होती बहुत बढ़िया भी रुक जा बच्चे चलो आगे चलते हैं छोटे छोटे न्यूज को कवर करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वरीड ओवर चाइनाज रिपोर्टिंग ऑफ कोविड फिगर अगर देखा जाए तो चाइना ने अपने कोविड के फिगर को जो है रिलीज करना बंद कर दिया है और अंडर रिपोर्टिंग हो रही है टीम अंडर रिपोर्टिंग हो रही है अंडर रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि मरे हैं सौ लोग और आप बोलोगे कि सिर्फ एक आदमी को माइल्ड इंफेक्शन था तो अंडर रिपोर्टिंग का खतरा क्या है अंडर रिपोर्टिंग का खतरा क्या है और इंटरनेशनल लेवल पे आपको समझना होगा कि वो कौन सी एजेंसी है जो इन सारे वर्ल्ड uh, लेवल पे ग्लोबल हेल्थ को कंडक्ट करती है यू नो देखभाल करती है तो ये होगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तो आपको क्या करना है

उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उन सबको कौन करते हैं ये उन नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं उसके अलावा पॉलिसी ऑप्शन उप्ष, देते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं टीम नोट कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोर फंक्शन प्रोवाइडिंग लीडरशिप शेपिंग रिसोर्च एंड एजेंडा सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आर्टिकुलेटिंग एथिकल और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट और मॉनिटरिंग अच्छा आप बोलोगे सर ये तो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है आप बोलेंगे सर ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे बच्चे एक बात बताओ ना 150 वर्ड्स में क्या क्या लिख लोगे 150 शब्दों में क्या क्या लिखेंगे आप तो रायता मत फैलाइए हमारे बहुत महान हीरो हैं शाहिद कपूर ने बोला है रायता फैल गया यूपीएससी एग्जामिनेशन में ज्यादा पढ़ना नहीं है उतना ही पढ़ना है जितना यूपीएससी सिलेबस में बोला है एक सौ पचास शब्दों में बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि पढ़ लेते हैं इतना सारा मतलब बोतल में से जिन्न को निकाल दिया और बोला जाता है को फिर से वापस बोतल में भेजो आता नहीं है यानी कि रायता फैल गया आपको बेसिक्स याद रखना है बेसिक्स फंडामेंटल बेसिक्स याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लियर आर्टिकुलेटिंग एथिकल मतलब यह है बच्चे

यूक्रेन यु, में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है यूक्रेन ने किया यूक्रेन रशियन ट्रूप्स को खोज रही थी अपने मिसाइल्स के थ्रू कि हम इनको कैसे पाएं और मारें लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था इसी बीच में किसी रशियन कमांडर का किसी रशियन सोल्जर का मोबाइल फोन खनका टिंग टिंग टिंग, टिंग 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 और जैसे ही ये मोबाइल का रिंग हुआ रशियन यूक्रेनियन रडार और मिसाइल सिस्टम ने उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यानी जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट खोज लिया ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट खोज लिया और इस रिंग, इस रिंग एक मोबाइल रिंग के चलते जैसे ही ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट खोजा यहां पे छे मिसाइल दाग दिए और छ मिसाइल में से चार मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे और बहुत बड़े लेवल पे तबाही तबाही हो गई तो ये

रशिया यह, है, 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 और यूक्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके मैपिंग से रिलेटेड सो so, सबसे पहले आपको रशिया यूक्रेन के संदर्भ में याद रखना है ब्लैक सी ग्रीन इनिशियेटिव ब्लैक सी ग्रीन इनिशियटिव ठीक है टीम ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को आप पढ़ेंगे जो मैंने पहले कई बार पढ़ाया हुआ है डेटा आपको दिया है दूसरा क्या ये वाटर बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं जैसे आपको सेवास्टो पोल है इसमें क्रीमियन पेन्सुला में यहां कर्च स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपसे हो सकता है खेडसोन ये सब नहीं पूछेगा लेकिन कर्च स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडीज को कौन से लैंड को कनेक्ट करता है उसके अलावा ब्लैक सी के कौन से कंट्रीज में मतलब इसके चारों तरफ है लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट या इनमें से कौन सा एरिया है जो बोस्फोरस स्ट्रेट से यानी बोस्फोरस स्ट्रेट क्या मेडिटेरेनियन को इससे कनेक्ट कराता है ब्लैक सी को तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए ना तो आप उसमें डूब जाएंगे ठीक है आपको तो बड़ा मजा आता है ना आंखों में डूब जाऊं तेरी आंखों में डूब जाऊं झील सी गहरी आंखें ये लो ना झील आ गया डूबो इसमें आता है ना बड़े बड़े गाने हैं तेरी नीली नीली आंखों में डूब जाऊं झील अरे इतने ठंडी में देखो ना ये वाटर बॉडीज का क्वेश्चन इसीलिए यूपीएससी पूछता है कि जितने भी मजनू टाइप के हैं उनसे अब पूछते हैं वाटर बॉडीज के बारे में देखिए क्वेश्चन देखिए अब यहां का आंसर देते समय तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें झील सी आंखें नहीं है चलो एक बार देखते हैं पूरा का पूरा ओडेसा पोर्ट के बारे में पूछ सकता है क्रीमियन पेंसुला एंड कर्च स्ट्रेट ये पूरा एरिया देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हां तीन वाटर बॉडीज को अच्छे से तैयार कर लो अराल सी कैस्पियन सी ब्लैक सी एजियन सी और यहां से आएगा मेडिटेरेनियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से आएगा ही क्वेश्चन यहीं से आएगा बता दे रहे हैं, बाबा शशांक रॉय बोल रहे हैं आपसे अच्छे से याद कर लो अब आगे चलते हैं ये ब्लैक सी है पूरा मैंने मैप अप दे दिया है पुतिन सेंट मिशनशिप ऑन ट्रेनिंग मिशन अब तू डाल डाल मैं पात पात तुमको क्या लगता है उधार का हथियार लेके आए हो रशिया से लड़ोगे दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ व्लादिमिर पुतिन व्लादिमिर पुतिन का कहता है कि उधार उधार होता है तुम उधार का हथियार लेके आओ रशिया से टक्कर लोगे हम अपना मिसाइल लॉन्च करते हैं नाउ एक नई मिसाइल की बात हुई है जिक्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टीम जिक्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को रट्टा नहीं मारना है टीम किसी भी टेक्नोलॉजी को रट्टा नहीं मारना है जब तक कि उस टेक्नोलॉजी का इंडिया से कोई लेना देना ना हो या इंटरनेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना ना हो या इसके एप्लीकेशन यानी इसका कोई बहुत इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया जो आज तक नहीं किया गया है तो आप हमेशा देखेंगे कि इंडिया का इससे क्या लेना देना है या इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत बड़ा विश्व के लिए खतरा पैदा करने जा रहा है तो जिक्रॉन मिसल सिस्टम को ट्राई करने के लिए रशिया ने कहा भेजा है रशिया ने अलग अलग ओशियंस में इसको भेजा है एक बार हम देखते हैं यह हुआ आपका हाउ पावरफुल जिरकॉन मिसल एज यहां पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एक बार देखेंगे रशियन मिलिट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड जिरकॉन मिसल एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन है जो कि बहुत ही फास्ट है अच्छा इसकी स्पीड के चलते प्रॉब्लम क्या है इसकी स्पीड के चलते जो एयर इसके सामने आता है वो प्लाज्मा का क्लाउड क्रिएट कर देता है इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि इसके आसपास जो areas, जो एरियाज़, एयर इससे पास होता है ठीक है इसके ऊपर एक प्लाज्मा का और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर और स्पीड इतना ज्यादा है कि ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है तो ये बहुत बड़ा खतरा है अब इंडिया का मामला समझो इंडिया की हम बात करेंगे तो वॉट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ मिसल एक फ्यूल है रशिया का ये कहना है कि यह एक एडवांस फ्यूल से उड़ता है इसमें एक एडवांस फ्यूल का यूज किया गया है ठीक है जो कि रशियन का यह कहना है कि आपको 1000 किलोमीटर तक का माइलेज देता है उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ द वेपन फॉर्म्स अ प्लाज्मा क्लाउड जो इसका जो थूथन है इसका जो स्नाउट है इसका जो पॉइंटेड एरिया है इसके आसपास जो एयर है जिसको चीरता हुआ आगे जाता है वो एक प्लाज्मा क्लाउड क्रिएट करता है इसके चारों तरफ जिसके चलते रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते ठीक है एक वेव क्रिएट होता है रेडियो वेव्स अब इस प्लाज्मा के चलते क्या होता है कि जितना भी रेडियो वेव्स हैं वो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और रडार जो है बिल्कुल ध्रुतरास्त हो जाता है यानी कि अंधा हो जाता है रडार को दिखाई नहीं देता टीम गॉट द आइडिया ओ टीम समझ में आया रट्टा नहीं मारना है समझ लो रट्टा नहीं मारना है जिरकॉन सिस्टम का क्या हुआ कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है हाइपरसोनिक है और उसके अलावा इसके पास जो एयर प्रेशर जिस एयर को चीरता हुआ जाता है उसके चारों तरफ एक प्लाज्मा का क्लाउड क्रिएट करता है और ये प्लाज्मा का क्लाउड क्या करता है कि आसपास में जो रेडियो वेव्स है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ये रडार की विजिबिलिटी को डिटेक्ट नहीं करने देता टीम क्लियर है अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि किंजल के नाम से इसको, ठीक है, मिसल्स इन इंडिया test of being as good news for India, क्योंकि यह हमारा जो ब्राह्मोस थर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसिल का डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएगा क्यों जी टीम बात आई समझ में ठीक है क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगा ब्राह्मोस थ्री हाइपरसोनिक क्रूज मिसल्स को नेक्स्ट लेवल पे डेवलप करने का आया समझ में बोलो जी आया कि नहीं समझ में गुड है रजनीश गुप्ता नहीं आया समझ में सुनिए यूपीएससी स्टूडेंट लाइफ थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ना ठीक है अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं आगे चलते हैं द हिंदू में सेंटर क्लियर्स एक होती है आम जिंदगी और एक होती है अगर आम जिंदगी चाहिए तो यह क्लास नहीं है तो यह क्लास है हाइड्रोजन में सबसे पहले आप इसको अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो आपके किसी काम में नहीं आने वाला अगर आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो किसी काम में नहीं आने वाला सबसे पहले खोजो वाई गवर्नमेंट को जरूरत क्यों है वाई हाइड्रोजन मिशन क्यों चाहिए चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आप किसी भी चीज को आप डेटा लेके शुरू कीजिए डेटा का मतलब क्या है कि इंडिया के एनर्जी मिक्स में कोल कितना है रिन्यूएबल सोर्सेस से कितना आ रहा है गैस से कितना आ रहा है न्यूक्लियर से कितना आ रहा है लिग्नाइट से कितना आ रहा है डीजल से कितना आ रहा है झो इस बात को किसी भी चीज को सबसे पहले क्या करना है किसी भी चीज को पहले समझना है कि इसकी जरूरत क्यों है हाइड्रोजन मिशन क्यों लॉन्च करना चाहता है इंडिया इसलिए लॉन्च करना चाहता है क्योंकि इंडिया के एनर्जी बास्केट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डोमिनेशन कोल का है जो लगभग साठ परसेंट का है ये रेटा थोड़ा सा पहले का है इसीलिए हमें उसके अलावा हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है कमिटमेंट कर दिए हैं हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी कमिटमेंट किया है क्लीन एनर्जी के लिए उसके अलावा इंडिया में जो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देता है ठीक है हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ा देता है टीम समझ में आई बात क्या है जड़ों की तरफ देखो पत्ते मत देखो आम खाना नहीं है गुठली से मतलब रखना है यानी क्रक्स क्या है क्रक्स ये है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी रशिया यूक्रेन वॉर ने एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा ठीक है डिस्टर्ब हुआ है ठीक है एक देख लीजिएगा इंडिया मिक्स ये है आगे चलते हैं टेक अवे नेशनल हाइड्रोजन मिशन मेजर एक्टिविटीज क्या क्या हैं देखिए पॉलिसी इंटरवेंशन ये पॉलिसी के बारे में है एक बार देखिए जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आने वाला है सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है इलेक्ट्रोलिसिस सबसे कॉस्टली अफेयर है और इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान दिया है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइजर क्या है ये है आपका टेक्निकल टूल जो कि विंड एनर्जी सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन में स्टोर कर देता है बात आई समझ में फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी के लिए पावर के लिए किसी चीज के लिए यूज करना है क्योंकि अगर ये एनर्जी विंड एनर्जी इससे अगर जनरेट नहीं हो रहा तो क्लीन एनर्जी है ही नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया टीम कॉन्सेप्ट समझ में आया बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया इलेक्ट्रोलाइजर अब आगे चलो इलेक्ट्रोलाइजर अब देखना है क्वेश्चन कहां से आएंगे क्वेश्चन आएंगे कि प्रोडक्टिविटी विया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विया फॉसिल फ्यूल सबसे पहले हमें समझना है ग्रीन हाइड्रोजन पर्पल हाइड्रोजन येलो हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन टॉर्कॉइज हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन ठीक है इन सब में पूछा क्या जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर्पल येलो ये सारा क्या है इलेक्ट्रोलिस के थ्रू जनरेट किया जाता है इसको हम विंड सोलर हाइड्रो न्यूक्लियर और इसमें मिक्स्ड ओरिजिन में यूज कर सकते हैं ब्लू टॉर्कॉइड क्या नेचुरल गैस से के थ्रू यूज करते हैं उसके अलावा टोर्कॉइज हाइड्रोजन ये आपको डेटा देखना है क्योंकि कितने तरीके का हाइड्रोजन है हालांकि इतने तरीके के हाइड्रोजन आपको याद नहीं रखने हैं बट अगेन इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट है उसके अलावा यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके गोल नंबर इलेवन को भी प्रमोट करेगा उसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगा टीम एसडीजी का इंटीग्रेशन समझ में आया एस का इंटीग्रेशन समझ में आया टीम बोलो बच्चे लोग एसडीजी का इंटीग्रेशन समझ में आया गोल नंबर इलेवन सस्टेनेबल सिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अफोर्डेबल एनर्जी के लिए डिसेंट वर्क और ग्रोथ के लिए इंटीग्रेट कर दिया सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सबसे बड़ा चैलेंज एनर्जी है, है उन एनर्जी में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके अलावा एक दो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास अभी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रोलाइजर्स और चीपर रिन्य रिन्यबल एनर्जी का प्राइस अभी बहुत अधिक है हमारे यहां उसके अलावा सिक्सटी नाइन टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द इंडिया का जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आना है जो हमें कम करना है प्रोडक्शन ऑफ मोड ऑफ चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइज लिसिस ऑफ वाटर उसके अलावा हमें जो है टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को हाइड्रोजन फ्यूल्स के लिए हमें टेक्नोलॉजीज डेवेलप करनी है जो इंडिया में अभी एमेच्योर है उसके अलावा हाइड्रोजन लीक जो है अगर थोड़ा सा भी लीक हुआ तो ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और ये बहुत बड़ा आग लगा देता है तो ये बहुत सा खतरा है इंडियन मार्केट में अभी ये टेक्नोलॉजी थोड़ी इमेच्योर है और उसको अभी आने में समय लगेगा इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइनटीन करोड़ का इंसेंटिव दिया है करना क्या है पहले इंडिया का बेसिक डेटा लो इंडिया के एनर्जी कंजम्पन क्या है इंडिया का एनर्जी बास्केट क्या है दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने क्या अपना प्रपोजल दिया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज में क्या करने जा रहे हैं तीसरा देखना है चैलेंजेस क्या है उसके अलावा अपॉर्चुनिटी क्या है ये सारा चीज मैंने इसमें पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइजर सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत ही कॉस्टली अफेयर है और इंडिया में अभी बहुत सी टेक्नोलॉजीज एमेच्योर स्टेज पे हैं। टीम समझ में आई बात टीम टीम क्लियर है हो बच्चे लोग सुरभि जैन थोड़ा रुक जाओ बच्चे परेशान मत हो परेशान मत हो दूसरा क्या है ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रे रेल यात्री हित द डेटा ब्रीच ये का, आ, फिर से एक डेटा ब्रीच हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से और ये इस बात की गवाही देता है कि इंडिया में आने वाले जैसे जैसे आपका डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगा टीम जैसे जैसे आपका डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगा जैसे जैसे आपका 5G नेटवर्क बढ़ेगा और जैसे जैसे ज्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल करेंगे इंडिया में साइबर साइबर कैपेसिटी अटैक का भी खतरा बढ़ता रहेगा और जब तो तो जल्दी से आर्टिकल कवर करते हैं सिटी में ऑरेंज अलर्ट इशूड एट सिटी लॉग सीजन लोएस्ट एट 4.4 डिग्री सेल्सियस अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था वार्निंग सिस्टम को कि कौन कौन सी कलर कोडिंग होती है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वार्निंग इशू करता है ये पीएम पीएम 2.5 2.5 के के बारे में के बारे में में था पार्टिकल पूछा गया था तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलर कोड्स का मतलब क्या होता है येलो का मतलब है एक्टिव इमरजेंसी कंडीशन है ये ऑरेंज का मतलब यह है सीवियर है जो इंडिया में भी चल रहा है इंडिया में यह सीवियर चल रहा है सिग्निफिकेंट इमरजेंसी कंडीशन है और रेड का मतलब है कि बिल्कुल बाहर निकलना भी मत ये पूरा मैंने कलर कोडिंग कर दिया है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल इंटरनेशन, 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 डिपार्टमेंट टीम क्लियर है क्या करना है छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे तभी जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझ में आएंगी पिछली बार यूपीएससी ने पीएम टू पॉइंट फाइव पार्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा था ठीक है आगे चलो आगे स्टेट्स के बारे में है तालाकावेरी साउथ इंडिया टॉप स्टार पार्टी डेस्टिनेशन स्टार पार्टी का मतलब ये पार्टी वाला नहीं है तालाकावेरी एक एस, एक ऐसा एरिया है जहां पे आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं यानी खुले आसमान में और यहां पे क्या है तालाकावेरी में सबसे पहली बात यह है लाइट पॉल्यूशन नहीं है लाइट पॉल्यूशन का मतलब क्या है ये शहर से दूर है बिल्कुल हाईली डेंस फॉरेस्ट है जहां लाइट से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता और आसमान बिल्कुल क्लियर होता है तो ये आप फन के लिए पढ़ सकते हैं इट्स अ गुड वन उसके अलावा लद्दाख में हानले के बारे में भी बोला गया है जहां पे हमने ऑब्जर्वेटरी बनाया हुआ है इसको आप खुद पढ़ेंगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ आपको लेके चलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, एक आर्टिकल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यस एक आर्टिकल आया है जिसमें मैं इंटीग्रेशन कराता हूं इन उत्तराखंड टाउन हाउसेस डेवलप क्रैक्स फैमिलीज टेकिन टू सेफ्टी टीम उत्तराखंड में घरों में दरारें पड़ रही हैं और कहा जा रहा है उत्तराखंड का जो, जो जोशीमठ है टीम उत्तराखंड का जो जोशी मठ है दैट इज सिंकिंग उत्तराखंड का जो जोशी मठ है वो लगातार जमीन में बैठता चला जा रहा है और उत्तराखंड बहुत वल्नरेबल है ये क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले इंडिया को देखते हैं एक बार ये कुछ इमेजेस हैं और यहां के लोग जोशी मठ के लोग जो मैक्सिमम हैं वो घरों से बाहर अपनी रात गुजार रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं छत हमारे ऊपर ना आ जाए ठीक है आगे चलते हैं कुछ और देखते हैं यहां पे छतों में दरारें पड़ रही हैं घरों में दरारें पड़ रही हैं इस तरीके से कोलैप्स होता जा रहा है रूप पूरे घर के लोग पूरे जोशी मठ में अफरा तफरी मची हुई है अब हम क्या करेंगे पहले इंडिया की वल्नरेबिलिटी को मैप करेंगे टीम पहले हम इंडिया की वलनरेबिलिटी को मैप करेंगे इंडिया की वल्नरेबिलिटी को मैप करेंगे इंडिया के जो ये बारह स्टेट हैं ठीक है नेपाल नहीं है ठीक है असम awesome. ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये हाईली हैं ये इंडिया के जो बारह स्टेट हैं ये हाईली वर्नरेबल हैं हिमालयन स्टेट में टीम क्या करना है सुनो एक न्यूज आया लेकिन उस न्यूज को क्या करना है जर्र से आफ्ताब तक यानी पूरा 100 परसेंट थ्री डिग्री कवरेज करना है छोटा सा न्यूज था हम लेके गए कहां तक इस न्यूज को हम यहां तक लेके गए पहले हमने एक बार में पूरी वर्नरबिलिटी मैपिंग करी अच्छा हिमालयन स्टेट्स का तो हो गया अब कोस्टल स्टेट्स का कर करने ज़रा था चलो ये है कोस्टल स्टेट्स की कहानी कि जितना हिमालयन स्टेट्स को खतरा है उतना ही खतरा हमारे कोस्टल स्टेट्स को भी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए साइक्लोन के लिए क्लियर है टीम हिमालयन स्टेट की वर्लरबिलिटी मैपिंग करी और हमने कोस्टल स्टेट्स की वर्नरेबिलिटी मैपिंग करी बोलो बच्चे लोग आगे चलो एट स्टेट्स इन इंडियन आइडेंटिफाइड एज हाई ललनरेबल टू क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के लिए यह पूरा का पूरा जो एरिया है और यह पूरा का पूरा एरिया है बहुत ही वलनेबल है एट स्टेट्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है वलनेबिलिटी रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमने यहां पे हर एक स्टेट की कलर कोडिंग की है कहने का मतलब यह है कि इंडिया बहुत ही वलनरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए इंडिया बहुत ही वलनरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए और यह सबसे बड़ा चैलेंज है अब हम इसको इंटीग्रेट कराते हैं एक बार देख लीजिए इंडिया का सिस्मिक जोन देख लीजिए जोन फाइव में सबसे ज्यादा खतरा है और ये जो पूरे के पूरे स्टेट हैं ये कुछ स्टेट्स हैं ये जोन फाइव में आते हैं कि जहां अगर भूकंप आया ना तो एक बार में ताश के पत्तों की तरह आप भर भरा के गिर जाएंगे ताश के पत्तों की तरह भरभरा के आप नीचे गिर जाएंगे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है

सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हम सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को भी हम लेके चलेंगे एक बार जरा ध्यान से देखो टीम क्लियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट को भी लेके चलेंगे और ये रहा आपका सेंडाई फ्रेमवर्क जिसमें हमने दस टारगेट सात टारगेट लिए हैं सबसे पहले क्या करना है ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी को कम करना है फेक्टेड लोगों जो डिजास्टर से होने वाला जो इफेक्ट है उसको कम करना है इकोनॉमिक लॉसेस को कम करना है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज है उसको कम करना है उसके अलावा कंट्रीज को डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटीज के लिए प्रिपेयर करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है और उसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम ठीक है आप चलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रोल आएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी रोल आएगा जब हम इसके बारे में हम बात करेंगे तो टीम क्लियर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलो है बच्चे लोग न्यूज क्या था न्यूज क्या था कि उत्तराखंड के घरों में दरारे पड़ रही हैं लोग घर से बाहर हैं एजुटेशन कर रहे नहीं वो मामला नहीं है वो कॉमन न्यूज है वो आम आदमी पढ़ता है आप तो अमरूद हैं आप आम आदमी नहीं आप अमरूद हैं आप सेव हैं आई मीन डिफरेंट फूड बट आम आदमी नहीं है आप क्लियर I mean, तो क्या किया हमने इंडिया की वर्लरबिलिटी मैपिंग करी ट्वेल्व हिमालयन स्टेट्स को लिया कोस्टल एरिया को लिया उसमें इंटीग्रेट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसमें इंटीग्रेट किया सेंडाई फ्रेमवर्क को और हम लेके आए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्लियर क्लियर बोलो भाई लोग दिल में गिटार बजी की नहीं झिंगाला हुआ कि नहीं हा ठीक है अब ड्रैगन फ्रूट खा लेना रजनीश ये एक से एक महान आत्माएं हैं हम ड्रैगन फ्रूट खाएंगे खाइए आप चलो एक और छोटा सा आर्टिकल है जिसमें इंटीग्रेशन मैंने किया इंडिया लैग इन ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्पाइट पर्सिंग टेक प्रोस रोबोटिक्स इंडस्ट्री इंडिया में अगर देखा जाए तो चाइना में हर दस हजार पे एक रोबोट है लेकिन इंडिया में हर एक दस हजार लोगों पे सिर्फ चार रोबोट्स हैं सो तो इंडिया रोबोटिक्स में बहुत पीछे है रोबोटिक्स की अगर हम बात बोले तो यहां पर क्या है यह है आम यह है आम और हम आपको क्या बताएंगे गुठली सबसे पहले देखिए इंडस्ट्री 4.0 क्या है इंडस्ट्री 1.0 में क्या था स्टीम इंजन था वेबिंग मशीन था स्पिनिंग जेनी था इंडस्ट्री 2.0 क्या था जब हमने मास लेवल पे असेंबली लाइन में प्रोडक्शन शुरू किया इंडस्ट्री 3.0 क्या था ऑटोमेशन था कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक्स था लेकिन इंडस्ट्री 4.0 क्या है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करेंगे और मशीन लर्निंग का यूज करेंगे और उसके बेसिस पे जब हम इंडस्ट्री बनाएंगे तो इंडस्ट्री 4.0 का जन्म होगा क्वेश्चन क्या आएगा क्या इंडिया इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार है क्या इंडिया की पॉपुलेशन population... इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है क्या उसके पास इतने स्किल्स हैं कि वो इंडस्ट्री 4.0 में सरवाइव कर सके क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया का जो मेजर लेबर फोर्स है वो सेमी स्किल्ड है और मेनली एग्रीकल्चर में है तो क्वेश्चन ये है कि अगर ऑटोमेशन रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लर्निंग और मशीन लर्निंग का दौर आ गया तो ये सेमी स्किल्ड जॉब वाले कहाँ जाएंगे इनका तो इनको तो खत्म कर दिया जाएगा ना अब सोचिए एक जेसीबी मशीन है जेसीबी मशीन सौ लोगों का काम कुछ घंटों में निपटा के खड़ा हो जाता है इसी तरीके से वो तो एग्जाम्पल है आपका मशीन का अगर इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो की बात करें तो ये सेमी स्किल्ड लेबर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना तो क्या इंडिया इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो को कैपिटल कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है टीम क्या इंडिया इंडस्ट्री फोर पॉइंट को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है समझो इस बात को क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा ये आम आदमी पढ़ेगा क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया और इंडिया का जो डेमोग्राफी है वो इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तैयार हैं क्या इंडिया ने इसको इसको इनिशिएटिव लिया है आगे देखते हैं ये फिर से एग्जांपल दिया इंडस्ट्री 4.0 का इंडस्ट्री फोर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल पिलर हैं वो हमने आपको इसमें दिखाया है आगे चलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है ये पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मेगा uh, लेवल पे इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयारी चल रहा है

इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनना चाहता है और चाइना को रिप्लेस करना चाहता है तो हमें इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात क्या है स्किल डेवलपमेंट इंडिया ने ऑलरेडी मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है और मेक इन इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से लैंडमार्क लिए लिए हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। उसके अलावा इंडस्ट्री लैंडमार्की की तो बात नहीं कर सकता लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लेबर फोर्स को स्किल करने के लिए बहुत से स्कीम्स चलाए हैं जैसे आप देख लीजिए ये आपका यूथ एजुकेशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है डीडी जीकेवाई है स्किल इंडिया मिशन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और नेशनल अप्रेंटिसिप Apprent स्कीम uh, है टीम समझ में आई बात ए बच्चे लोग समझ में आई बात बोलो ना प्लीज बताओ बता दो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया लॉन्च फ्रॉम इंडिया स्किल इंडिया मिशन ठीक है हाँ पूजा मिलेगा बच्चा प्रॉमिस करता हूं पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ मिलेगा सब्र का फल मीठा हो तो है टीम समझ में आई बात आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है उसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है आप चलो एडिटोरियल हम दिखा देते हैं एडिटोरियल में आपको लेके चलते हैं और एडिटोरियल पढ़ाते हैं, नहीं तो बोलोगे सर आपने हमें नहीं पढ़ाया अब हम चलते हैं एडिटोरियल में सबसे पहले आपको लेके चलेंगे नाउ द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां पे हमने दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को स्टैब्लिश किया इन इनको इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न क्या था इनको इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न ये था कि हम ग्रास रूट लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे हम इसको प्रमोट कर सके ग्रास रूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके ठीक है जनरली कहा ये जाता है जब हम फेडरलिज्म की बात बोलते हैं जब हम फेडरलिज्म की बात बोलते हैं तो फेडरलिज्म का मतलब यह होता है कि जहां पे सेंटर और स्टेट अपने बीच में पावर शेयर करते हैं लेकिन अगर देखा जाए सही मायनों में इंडिया जो है वो विलेजेस में बसता है गांवों में बसता है हमारे पास छह लाख गांव हैं, लेकिन ये कैसे इंश्योर किया जाए कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट है वो बेसिक लेवल पे पहुंच पा रहा है ग्रास रूट लेवल पे पहुंच जा रहा है इसीलिए हमने इस अनोमली को हटाने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को हटाने के लिए हमने क्या किया हमने ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया कैसे सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था लेकिन अगर देखा जाए तो आज़ादी के पचहत्तर साल बाद भी हम शायद इस पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अमेंडमेंट था पंचायत एज ए रिसोर्स पंचायत एज एन इंस्टीट्यूशन को हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं इसके पीछे बहुत से सिस्टमेटिक कारण हैं सिस्टमेटिक कारण ये है कि बहुत से स्टेट्स ने अपने पावर को कंसंट्रेट कर रखा है और बेसिक लेवल पे यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पे वो पावर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं यू नो परुलेट ही नहीं होने दिया जा रहा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट में और, और प्रॉब्लम है रिसोर्स का हालांकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए हैं लेकिन इन पावर का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है आज अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिसोर्सेस का अगर कहीं भी मुंबई में अगर साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है वृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को या दिल्ली में अगर बाढ़ की समस्या होती है तो सबसे पहले दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आना पड़ता है फायर फाइटिंग के लिए लेकिन जिस तरीके के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उस तरीके को देखते हुए अर्बन लोकल बॉडीज और कॉर्पोरेशन को वो पावर और रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए गए हैं यूपीएससी मेंस 2022 में म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं सो so, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है लोकल गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म इंडिया इज गोइंग सेंट्रलाइजिंग शिफ्ट इन पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड कल्चर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया गया है कि फेडरलिज्म की अगर बात करते हैं तो फेडरलिज्म जब तक आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिसोर्स एलोकेशन का कुछ क्वेश्चन पूछे वाई शुड लोकल गवर्नमेंट बी इंपावर्ड लोकल गवर्नमेंट को इंपावर्ड करने की जरूरत क्यों है वाई आर दी डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हाउ कैन द आडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बी रिवाइव Question यह है कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर्ड क्यों होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को इंपावर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूट लेवल पर अगर डेमोक्रेसी को सही मायने में समझना है तो सबसे पहले पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को रिसोर्सेस देने होंगे आपके एरिया का आपका चीफ मिनिस्टर गांव के हर एक आदमी से मिलके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन पंचायत के लेवल पे और म्यूनिसिपालिटीज के लेवल पे हर कोई एक दूसरे को लगभग जानता है समझता है पहचानता है वो उनके प्रॉब्लम्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है और रेक्टिफाई कर सकता है नाउ चैलेंज क्या क्या है? है? है दूसरा दूसरा क्वेश्चन कि रिफॉर्म्स के बावजूद भी यह वीक क्यों है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेस को सेंट्रलाइज कर रखा है और रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है लोकल लेवल पे जो जिसके चलते यह इंस्टीट्यूशन आज भी बहुत वीक है तीसरा है हाउ कैन आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी रिवाइव आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तब रिवाइव हो सकता है जब हम स्टेट और सेंट्रल लेवल पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से करें और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने का पावर दें यानी टैक्सेशन का पावर दें वो अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट कर पाएं तभी जाके हम अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत को सही तरीके में थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट या ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को हम प्रमोट कर पाएंगे आगे देखते हैं गेमिंग एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड है यह आर्टिकल मैंने क्लियर किया आपको एक और चीज है एसिड अटैक फेल्ड ऑफ कोहेसिव लीगल प्रोग्रेस अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो सबसे ज्यादा केसेस हमारे रूरल एरिया से आ रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हमारे पास एक कोहेसिव रिफॉर्म नहीं हो रहा है एसिड इजीली अवेलेबल है मार्केट में और यह बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें सबसे बड़ी बात क्या बताई गई है यहां पर निर्भया गैंगरेप के बाद से और जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट के 2000 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पेनल कोड को अमेंड किया और एसिड अटैक को एक सेपरेट ऑफेंस माना जिसमें 10 साल की सजा और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहा है कि, कि किसी भी तरीके के एसिड के सेल और प्रोक्योरमेंट को जो है उसको रेगुलेट करना होगा अंडर पॉइजन एक्ट गवर्नमेंट को भी इस पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लेकिन यहां पे स्ट्रेंजेंट लॉज की जरूरत है

रिजेक्ट कर देता है आपके गुलाब को उठा के फेंक देता है आपके ऊपर तो एसिड अटैक के केसेस होते हैं बट अनफॉर्चूनेटली ये एसिड अटैक के केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जिसमें हमें लगाम लगाने की जरूरत है उसके अलावा आपका जो है आर्टिकल यस एक आर्टिकल है ट्रिपल टेस्ट रूल के बारे में है कि

आप अगर किसी भी कम्युनिटी को अगर ओबीसी का बेनिफिट देना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक सबसे पहले तो आपको एक कमीशन गठित करना है उस कमीशन के 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 रिपोर्ट बेसिस बेसिस पे पे आपको गैदर करना है और के पे, आप डिसाइड करेंगे कि, कि किसी भी ओबीसी कम्युनिटी का उस लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन कितना है बैकवर्डनेस कितना है उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि हर एक लोकल बॉडी में किस परसेंटेज तक रिजर्वेशन देंगे तीसरा टोटल रिजर्वेशन जो है एससी एस टी प्लस ओबीसी को मिला के पचास परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये तीन ट्रिपल रूल है टीम ये ट्रिपल रूल है इसके साथ ही मैं अपने सेशन को फिनिश करता हूं आपसे विदा लेता हूं और मुझे लगता है आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा प्लीज लेट मी नो टीम प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस सेशन कैसा लगा आपको सेशन और मैं आपसे फिर से मिलूंगा कल थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल ड्रीम टूवर्ड्सना आपके कमेंट्स को देख रहा हूं मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला है चले मिलते हैं कल थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू जय हिंद जय भारत थैंक यू थैंक यू टीम